इंदिरा नगर के भांडी रोड पर सर्वे क्रमांक 1774 रकबा 1.264 हेक्टेयर, जिसमें 10 सर्वे नंबर हैं, उस सर्वे नंबर पुश्तैनी खेत हैं। बाकी बचे हुए सर्वे नंबर को भूमि मालिकों के द्वारा अलग अलग लोगों को बिक्रय कर प्लांटिंग कर दी गई है, मकान बने हुए हैं। भूमि माफियाओं ने राजस्व विभाग की मिली भगत से शासकीय सर्वे 1774 की भूमि को बेच दिया है। सर्वे की लंबाई 1000 मीटर के आसपास है। ये भूमि करोड़ों रुपए की है। इसमें वर्तमान में लगभग 82 लोगों के मकानों और दुकानों के दरवाजे हैं। आम रास्ता भी सर्वे क्रमांक 1774 पर खुलता है। ये निर्माण कुछ तो नए हैं और कुछ बहुत पुराने हैं। सर्वे के आसपास की कृषि भूमि जाट समाज के अनेक लोगों के नाम थी, जिसे भूमाफियाओं के द्वारा नियमविरुद्ध तरीके से खरीदा गया। आपको बता दें कि इसी भूमि पर प्रशासन से मिलकर हमारे ताऊ ओम प्रकाश राम स्वरूप जय हिंद और पिता परशुराम पुत्र बुद्धा निवासी नगर को लंबे समय से परेशान किया जा रहा है, ऐसा आरोप मनोज राजौरिया और राहुल राजौरिया ने पटवारी पर लगाया है। दोनों भाइयों ने बताया कि तहसील कार्यालय में नोटिस दिया, उनका जवाब प्रस्तुत किया। तहसील कार्यालय से पारित आदेश के अंतिम आदेशों में अनावेदक गणों के द्वारा किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना पाया गया। वो अपनी पैतृक भूमि पर ही खेती कर रहे हैं। पटवारी के द्वारा पैतृक जमीन को सरकारी बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि भूमि हमारी पुश्तैनी जमीन है, हम इस भूमि पर वर्षों से खेती कर रहे हैं। भूमि के सर्वे क्रमांक 1776 के सीमांकन के लिए आवेदन दिया है, लेकिन राजस्व प्रशासन किस प्रकार से अनावेदक गणों को गुमराह कर रहा है, क्योंकि इसी सर्वे भूमि के आसपास की सभी सर्वे जमीन को नापने के लिए नक्शे में मिलान हो जाता है और अनावेदक गणों को जमीन नापते समय नक्शे और मौके में मिलान नहीं होता। साथ ही संबंध में सेम हेल्पलाइन भी लगाई, जिन्हें प्रशासन ने जबरन फॉर्सली बिना सीमांकन कराए ही बंद करा दिया है और प्रकरण लंबित होने के बाद भी हमारे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब 82 घरों और दुकानों के दरवाजे इसी सर्वे नंबर पर खुलते हैं तो हमारे परिजनों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। इंद्रगढ़ तहसील और तहसीलदार पटवारी पर आरोप लगाते हुए राहुल राजौरिया ने बताया कि कब्रिस्तान की सिलगी भूमि पर 70 साल पुरानी दुकान को मनोज कुमार ने विक्रय कर द्वारा खरीदी, जिसका विधिवत नगर परिषद इंद्रगढ़ में नामांतरण हुआ है, क्योंकि ये गोल गांव आबादी की भूमि है। जब मैं अनुसे लेने SDM सेवरा कार्यालय में गया तो RI GP श्रीवास्तव ने टीप लगाई कि दुकान नजूल बस्ती में आती है। इसका हवाला सर्वे क्रमांक और पटवारी रिकॉर्ड में नहीं है और साथ ही मकान पुराना होने से जीर्ण शीर्ण हो गया। पटवारी राम खिलावन का कहना है कि तहसीलदार को 1,00,000 रुपये देने पड़ेंगे, तभी आपके मामले का निपटान हो पाएगा। इसी बात से नाराज होकर पटवारी राम खिलावन ने तहसीलदार सुनील भदूरिया से मिलकर उनकी संपत्ति, जो कि मनोज के नाम है लेकिन मेरे पिता ओम प्रकाश के नाम से, पुलिस में प्रकरण दर्ज करवा दिया गया। मीडिया को दिए अपने शपथ पत्र में राहुल राजौरिया ने आरोप लगाया कि हमारा परिवार तहसीलदार और पटवारी से पीड़ित है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि जिस जमीन को सरकारी बताया जा रहा है कि वो जमीन हमारी पैतृक है और जमीन कीमती है, माफियाओं की नज़र इस पर है। वही पीड़ित का कहना है कि मेरे वर्षों पुरानी दुकानें हैं, जीर्ण शीर्ण होने के चलते दोबारा निर्माण कराया गया, इसकी परमिशन ले गई है। वहीं आपको बता दें कि पटवारियों का कहना है कि सर्वे की शिकायत हुई थी कि सरकारी भूमि है, जो राजस्व विभाग के 10-20 में दर्ज है। प्रकरण दर्ज करने का आदेश वरिष्ठ कार्यालय से मिला, जिसके आधार पर कार्रवाई हुई है। मैंने कोई भी रुपए नहीं मांगे, मेरे ऊपर लगे आरोप निराधार हैं। जी, मेरा नाम राहुल राजौरिया है और मैं इंद्रगढ़ से बोल रहा हूँ। यह आप पीछे देख रहे हैं, मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, जिसमें मेरे दादा परदादा और वर्तमान में मेरे पापा चाचा ताऊ और उनके बच्चे खेती किसानी करते आ रहे हैं, जिसमें तीन ओर से मकान बने हुए हैं, यानी सीमा फिक्स हैं, लेकिन प्रशासन और शासन द्वारा हम बीच में पड़ते हैं। उसमें कहा जा रहा है कि हम शासकीय भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। समस्या ये है कि मेरे पिताजी ने 2006 में 50 साल पुरानी एक ज़मीन खरीदी थी, मतलब मकान बना हुआ था, जो कि 2006 में मेरे नाम पे लिया हुआ था। अब राम खिलावन पटवारी आते हैं हमारे पास पैसे की मांग करते हैं। एक दिन उनके लड़के का भी फ़ोन आया 30 तारीख को रात को 9 बजे,
बोले कि अपने पापा से बात करो, क्या समस्या है क्या नहीं है, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हमको दिला दो और हम इसको सारा मतलब निपटवा देंगे। ये सरासर झूठ है, मुझ पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। ज़मीन शासकीय है जिस पर ये अतिक्रमण किए हुए हैं, इसकी शिकायत हुई थी। शिकायत के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश के आधार पर जांच कराई गई, उसमें अतिक्रमण सही पाया गया। मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ही इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैंने कोई पैसे की मांग नहीं की, अतिक्रमण सही पाया गया, अतिक्रमण जी मौके पर किए हुए हैं।